बहनों को पहले प्रणाम करता हूँ कि उनकी व्यथा मैंने नाटक के माध्यम से दिखाई यहाँ पर। पर जितने भाई लोग हैं ध्यान रखिए, माताएं शक्ति का अंश होती हैं, पर जो हम पुरुष हैं वो शक्ति का पूर्ण तो नहीं होते ना, नहीं होते ना शक्ति का पूर्ण। हाँ, इसलिए हमें बिल्कुल सजग रहना है और पूरे देश की जो लाज है वो हम आज की जो नौजवान उनके हाथों में ही है। एक बार मैं अपने नाटक ग्रुप के जो सदस्य उनका परिचय कराना चाहूंगा। नाम बताइए। श्रीमान जी, मेरा नाम आर.एन. द्विवेदी है। आर.एन. द्विवेदी है। आप अंकित मिश्रा है, आप अंजलि राठौर है, इस नाटक के डायरेक्टर जिन्होंने इस नाटक को रूप दिया, प्रदीप तिवारी, योगेश द्विवेदी, अंकुश पटेल जी, अजय पांडे, ये बाहुबली टाइप का आर्थिक जो अजय पांडे है, और मेरे टीम के जो मार्गदर्शक है श्री विपुल सिंह गहरवार जी, वो जहां भी तुरंत मंच पे आ रहे हैं। सभी कलाकारों का आग्रह है, दिव्यांशु जी है जिन्होंने काफी मेहनत की इस नाटक को बनाने में, विपुल भैया आई ऊपर जल्दी मिनट जल्दी, शुभम पांडे जी, बस बस अमर द्विवेदी जी है, पूरा मंडप परिवार है जो हमेशा बप्पा के दरबार में अपना माथा झुकाए रहता है और आशीर्वाद लेने हर साल पहुंचता है। मैं एक बार फिर से सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने फिर से आशीर्वाद दिया हम लोगों को, और मैं अब मंच संचालन लालू भैया को देता हूं। बोलो गणपत बप्पा की जोर से बोलो। आज अमैया के राजा की तरफ से यहाँ पे हमारे राजा जी के चरणों में जिन्होंने अपनी अपनी सेवा की है उन्हें हम कुछ सम्मानित करना चाहते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले कलाकार जिन्होंने अभी आपको प्रस्तुति दिखाई, मंडल संस्कृति शिक्षा कला केंद्र के लोगों को लालू जी के द्वारा, अनिल गुप्ता लालू जी के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। भैया भैया थोड़ा सा ऐसे साइड होइएगा। सर धन्यवाद। इसी कड़ी में आप लोगों को जो भजन संध्या का आनंद भगवान